प्लास्टिक बॉटल बोट फिशिंग। इंद्रानगर नाम के गांव में एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे लोग मछली पकड़कर जिंदगी गुजारा करते थे। उनमें चकमा नाम का एक बूढ़ा भी मछली पकड़ता था। रोज उसके नाव में चकमा तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें लाकर बाजार में बेचता था। चकमा को गगन नाम का एक बेटा था। गगन कॉलेज में पढ़ाई करता था। वो बहुत होशियार था। इतना होशियार था कि कभी कभार तो क्लास टीचर ही उसे क्लास लेने के लिए कहती। ऐसे गगन अपने क्लास वालों को वही क्लास पढ़ाता था। वही नहीं, गांव में गरीब लोगों को बैम्बू ऑटो, गैस मोटरसाइकिल, स्कूटर, वाटर पंप, पेस्टिसाइड्स, ड्रोन, ऐसे कई प्रकार की चीजें बनाकर देता था। उस गांव में मोहनलाल नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत लालची था। हर साल उस तालाब के पास नीलामी होती थी। उसमें सिर्फ अमीर लोग भाग लेते थे, लेकिन हर बार उस नीलामी में मोहनलाल ही जीतता था। उस तालाब से मछलियां पकड़ने पर भी मछुआरे मोहनलाल को महीने में एक बार पैसे देते थे। एक बार मछुआरे मिलकर बात कर रहे थे। एक, चकमा चाचा, हर बार वो मोहनलाल ही नीलामी में जीत रहा है। जीतने के बाद हमसे खूब पैसे ले रहा है। उसका अन्याय कभी बंद नहीं होगा क्या? यूं कहा। तब एक और, सच कहूँ तो वहाँ आने वाले सारे धनवान एक ही हेरे सब मिलकर ही उसे जानबूझकर नीलामी में जीता रहे हैं, इसलिए इस बार हम क्यों नीलामी में भाग न लें? एक और, हाँ, सब मिलकर पैसे डालकर चकमा चाचा को खड़ा करते हैं। देखते हैं इस बार वो कैसे जीतेगा। यूं कहा, सब ने हाँ की। अगले दिन तालाब के पास मोहनलाल एक लॉयर के साथ आया। हाँ, क्यों भाई चकमा, मेरे साथ मुकाबला करने तैयार हुए हो? सुना, सबको एक बात बताने के लिए आया हूँ। इस तालाब के पास भारी रूप में गोलमाल हुआ है। ऐसा कोर्ट में बोलकर इस तालाब के पास नीलामी ना हो, ऐसा कहते हुए कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। जब तक केस सॉल्व ना होगा, ये तालाब मेरा ही है। तुम लोगों को मुझे पैसे भरना ही होगा, कहकर कोर्ट ऑर्डर दिखाया। वो देखकर चकमा, ये अन्याय है, नीलामी ना हो ये बहुत नाइंसाफी होगी, हम इस बात के लिए राजी नहीं है। मोहनलाल, अरे तुम लोग हो कौन इस बात से राजी होने के लिए? वैसे तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, अब यहाँ पे किसी को भी मछली पकड़नी हो तो बोट के लिए तुम जो जाल इस्तेमाल करते हो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भरने होंगे, वरना किसी को भी इसमें उतरने नहीं दूंगा। अरे चकमा, तुम्हें तो यहाँ आने नहीं दूंगा, जाकर कोई और मजदूरी का काम कर लो जाओ। अगर इसे कोई सहायता करेगा तो उनको भी तालाब में नहीं आने दूंगा, कहकर धमकाया। इससे बेचारे दूसरे मछुआरे डर गए। घर पर जो हुआ वो सब गगन को बताकर चकमा बहुत दुखी हुआ। इससे गगन कुछ तो करना होगा, यूं तय किया। वहाँ मछुआरे बोट और जाल इस्तेमाल करने के लिए पैसे भरने लगे। गगन प्लास्टिक बॉटल से एक बोट तैयार किया। फिर वो बड़ा सा आयरन रॉड लेकर आया। वो बोट लेकर तालाब में आकर वहाँ आयरन रॉड को एक चिकन पीस लगाकर पानी में डाला। बस छोटे बड़े सारे मछलियाँ उन्हें खाने के लिए आ गई। ऐसे वो उस आयरन रॉड से मछली पकड़ने लगा। तालाब के बाहर आया तो वहाँ मोहनलाल गुस्से से, अरे इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे अनुमति के बगैर मेरे तालाब में ही मछली कैसे पकड़ रहे हो? चुपचाप मुझे पैसे भरो, वरना वो मछली मुझे यहाँ दे दो। गगन, मैं तुम्हारे बोट या जाल कुछ इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने खुद बनाया है, तुम्हें क्यों पैसे दूं? यूं कहा मोहनलाल, तुम्हारी होशियारी मेरे आगे मत दिखाओ, ये तालाब मेरा है, यहाँ जो मैं बोलता हूँ वो सुनना ही होगा। यूं कहा। इतने में वहाँ कलेक्टर पुलिस वाले आए। कलेक्टर, हे मोहनलाल, कोर्ट दिया है कहकर नकली स्टे ऑर्डर बनाना, ऐसा तालाब पर कब्जा करने का प्रयत्न करने के लिए तुम्हें जेल में डालना हो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। गगन, ये जो अन्याय कर रहा है ये हमारे नजर में लाने के लिए बहुत धन्यवाद। यूं कहा, सबने खुशी से ताली बजाई। फिर मोहनलाल को जेल में डाल दिया गया।